दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुकेश अंबानी के बेटे यानी आनंद अंबानी ने शादी की तकरीबात देखकर ऐसा क्या कहा कि उनके पेरेंट्स आपदीदा हो गए। और इसी तकरीब के दौरान उनके बेटे का ये कहना था कि जिंदगी में बहुत ही मुश्किल वक्त देखा है, बचपन से ही सेहत के मसाइल का सामना रहा, लेकिन पेरेंट्स ने कभी भी महसूस होने नहीं दिया और हमेशा ये एहसास दिलाया कि जो कुछ करने के लिए मैं सोचूंगा उसे ज़रूर करूंगा, मैं हमेशा वालदेन का शुक्र गुजार रहूँगा। दोस्तों उनकी ये बातें सुनकर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी आपदीदा हो गए, क्योंकि इनके बेटे अनंत अंबानी बचपन ही से सेहत के मसाइल से दोचार रहे, लेकिन इनके पास कहने को तो दुनिया की बहुत दौलत है और बहुत ही अमीर तरीन शख्स हैं और जहाँ जैसा इलाज करवाना चाहें करवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों वही बात है ना कि हर किसी को पूरा जहान नहीं मिलता। व्यूवर्स, इनके बेटे को पैदाइशी दमा की बीमारी थी जिसके बाद उनको एस्ट्रॉइड्स देने पड़े, जिसका नतीजा ये निकला कि उनका वेट तेज़ी से बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते 208 केजी तक जा पहुँचा, जिसके बाद उनके फिटनेस कोच ने वेट लॉस करने में उनकी मदद की और 18 माह में 108 केजी वज़न उनका कम किया। जैसे कि मुकेश अंबानी ने कहा था कि वो अपने बेटे की इस शादी पर 1000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, जो कि उन्होंने किए भी, लेकिन ये कोई इनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो 150 अरब डॉलर के मालिक हैं। और दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री से ही इनकी पर डे की जो इनकम है वो ही सिर्फ और सिर्फ 150 करोड़ रुपए है, तो आप अब अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना अमीर तरीन शख्स है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये 30 से 40 से ज़ायद कंपनियों के भी मालिक हैं जहाँ से इनकी इनकम अलग आती है। तो ये थी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी के चर्चे की मालूमात, जो कि आज की वीडियो में आपने जानी। आई होप आपने इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया होगा, तो आप लोग जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।